हेलो एंड वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिखाओ गुरुजी पर। मेरा नाम है नवाज। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मैं फाइबर ग्रिड की तरफ से आने वाले कुछ राउटर्स की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जिनकी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये स्टार्ट होते हैं 900 रुपये से, और आप जैसा राउटर खरीदना चाहे वैसे आप खरीद सकते हैं। तो ये वीडियोस आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी कोई। और दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले फाइबर गेट की तरफ से आने वाले इस मिनी पावर मीटर की। तो दोस्तों, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे हमको बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, और आपको मैं इसका ऑपरेट किस तरह करते हैं वो भी बताऊँगा। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों, ये मुझे पड़ा है 2200 रुपये में। अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो मैं सारी डिटेल सेलर की इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा ना टाइम लेते, वीडियो को करते स्टार्ट। अगर आप भी अपने किसी प्रोडक्ट को हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए प्रमोट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप या ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स पूरा प्लेन बॉक्स है, यहाँ पर कोई भी इमेजेस आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको फाइबर गेट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं दोस्तों मॉडल नंबर वगैरह दिया गया है। -50 से +60 तक ये सपोर्ट करता है दोस्तों। यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह दी गई है। तो बॉक्स को करते हैं ओपन, और देखते हैं बॉक्स में हमको कौन कौन सी चीज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन करते ही हमको एक मिनी पावर मीटर देखने को मिलता है। काफ़ी स्मॉल है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना अच्छा लग रहा है। इसे अभी के लिए मैं रख देता हूँ साइड में, और देखते हैं हमको बॉक्स में और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिनी पावर मीटर को आप कौन कौन सी चीज़ें अटैच कर सकते हैं, ये एसेसरीज के साथ मिलती है। मैं आपको एक एक चीज़ अटैच करके आपको बताऊँगा कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं इसी के लिए रख देता हूँ अभी के लिए साइड में, इसे भी रख देते हैं। यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, इसे भी हम अभी सभी चीज़ों को रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये पावर मीटर है, बहुत ही स्मॉल है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कितना अच्छे से आ रहा है, इसकी ग्रिप भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर इसके मीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स ऑन ऑफ करने के लिए और फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कुछ बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बैक की बात की जाए तो यहाँ पर फाइबर गेट की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ पर उसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं दोस्तों। और अगर फ्रंट की बात की जाए तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो जो कनेक्टिविटी कनेक्ट करना चाहते हैं आपके फाइबर ऑप्टिक पैच वगैरह के बारे में, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। और नीचे अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक लैन केबल अटैच करने के लिए सॉकेट मिलता है, जिसे आप आज 40 वायर केबल यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इसे चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसके अंदर आपको बैटरी से इंस्टॉल करके बताता हूँ कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैं इसे करता हूँ ओपन, यहाँ पर हम दो बैटरी इंसर्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ से हम पैक कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने इसमें बैटरी इंस्टॉल कर दी है, अब मैं इसे ऑन करता हूँ। इसे प्रेस करके रखना है, तो प्रेस करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले आ गया है, ये ऑन हो गया है। और दोस्तों, ये मैं आपको RJ45 केबल किस तरह चेक करते हैं, इसमें ब्रेक है या फिर केबल प्रॉपर वर्क कर रही है, इसे किस तरह चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक पॉइंट को यहाँ पर हमें इंसर्ट करना होगा, मैं इसे यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको इस अटैचमेंट में ऐसे इंसर्ट करना होगा। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं ये केबल चालू है या जो DB बटन को प्रेस करके रखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लाइट मैं ऑफ़ कर देता हूँ पहले आपको, ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं RJ45। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी टाइम पर यहाँ पर भी लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये केबल है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, या ये वायर जो है कहीं से भी ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से आप अपने RJ45 केबल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दो अटैचमेंट के लिए सॉकेट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहला सॉकेट जो होता है यहाँ पर दोस्तों, आप अपने जो पैच होता है जो आपके फाइबर ऑप्टिक, यहाँ पर आप उसका इमेज देख सकते हैं। तो पैच को दोस्तों आपको इस कनेक्टर के ज़रिए, यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करके बताता हूँ, इस तरह से इसे कनेक्ट कर देना है दोस्तों। इसका यहाँ पर इसका कैप निकाल देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फाइबर ऑप्टिक का जो पैच है वही यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर आपको उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह शो कर देगा कि किस फ्रिक्वेंसी पर ये चल रहा है, तो आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं आपको क्या सेटिंग करना है वो उसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यही अटैचमेंट दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक LED लाइट देखने को मिलता है, देखिए जिसमें ऑन कर देता हूँ तो ये आप इसे आप टॉर्च के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं अंधेरे में आप काम कर रहे हैं तो इसका आपको बहुत ही हेल्प ये करेगा। अगर आप यहाँ पर ये एक अटैचमेंट है दोस्तों, यहाँ से आप अपने फाइबर ऑप्टिक की तार अगर कहीं से ब्रेक है तो उसे आप कैसे पता करेंगे, उसके लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मैं इसमें ऑन करके बताता हूँ आपको। दोस्तों अभी मैं इसे ऑन कर दिया है, देख सकते हैं आप ये यहाँ पर एक रेड लाइट आ रहा है दोस्तों। ये एक लेज़र लाइट होता है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जो आपकी केबल होती है ये वाली केबल नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल होंगी दोस्तों तो उसे आपको यहाँ पर इस अटैचमेंट के थ्रू अटैच करना है, आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो आपका फाइबर ऑप्टिक का जो पैच होगा दोस्तों आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, और जैसे आप यहाँ इंसर्ट करोगे तो ये LED लाइट उस पैच के ज़रिए उस केबल में फ्लो होगा, और जहाँ से भी वायर केबल आपका ब्रेक है वहाँ से आपको ये रेड लाइट बाहर आता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट ये वायर जो है कहाँ से ब्रेक है। तो आप उसे वहाँ से कट करके उसे फिर से जॉइंट कर दीजिए तो आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस है, तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट्स में सब चीज़ें बताई है। अगर आपका इसका डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने मिनी पावर मीटर की अनबॉक्सिंग की, तो आपको ये मीटर कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट शूट किया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा ही डिटेल आपको दी है। अगर आपको इसके फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने सेलर की डिटेल तो आप दी ही नहीं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेलर की सारी डिटेल यहाँ पर शो कर दी है। आप इन्हें यहाँ पर से कॉल भी कर सकते हैं या आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसकी गारंटी की बात की जाए तो आपको एक 1 ईयर वारंटी मिलती है पीस टू पीस रिटर्न करने की, और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो दोस्तों आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आप अगर हमारे चैनल का रेफरेंस देते हैं कि हम सिकाऊ गुरु जी चैनल से आए हैं या हमको रेफ़र किया है नवाज़ भाई ने, तो आपको और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।